पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को जमशोरों से गिरफ्तार कर दिया गया। हलीम आदिल को कराची में अजीज भट्टी थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम का कहना है कि सिंध में कौन सा कानून है कि गिरफ्तार पहले किया जाता है, FIR बाद में दर्ज होती है। इस FIR का जो डेट ऑफ इंसिडेंट है वो है 1991। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये पिछले 15 साल से 20 साल से आपकी हुकूमत जब इस सूबे में चल रही थी तो ये केसेस कहाँ थे और ये FIRs कहाँ थी? हलीम आदिल शेख के ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद ये केसेस क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? जब कन्वीनियंटली आप हलीम आदिल शेख को बुलाती है एंटी करप्शन के हमें आके सवालों के जवाब दें, हिम बींग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो जाते हैं जामशोरों आपके सवालों का जवाब देने और आप वहाँ पर कहते हैं कि आपने कोई और नई FIR काट ली। हलीम आदिल शेख की जान सिंध हुकूमत से कांस्टेंट थ्रेट है। लास्ट टाइम भी जो इनका प्लान था, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो उनको यहाँ पे लाके किसी कच्चे के इलाके में रखने वाले थे, अभी भी ये सिंध में लेके हलीमा शेख को बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी पुलिस एहलकारों के प्राइवेट गाड़ी में लेके घूम रहे हैं।